देन दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में उचित जानकारी प्रदान करते हैं, साथ में उनकी कट ऑफ, फॉर्म कैसे भरना है, एज क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा आर्मी की और एयरफोर्स की ग्रुप सी, जो सिविलियन की वैकेंसी होती हैं वो निकली हुई हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि किस डिपार्टमेंट में या किस पोस्ट के लिए वो वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, लास्ट डेट क्या है और कैसे फॉर्म आपको डालना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर पहले बात करूँ तो आपकी इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकली है जो ग्रुप सी की हैं। इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, कुक की है, एमटीएस की है, लॉन्ड्री मैन की है, मैकेनिकल की है, कारपेंटर की है, सुपरिटेंडेंट स्टोर की है, फिटर की है। इस तरह से आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी जो निकली हुई है एलडीएस की है, मेस स्टाफ की है। साथ में इन्होंने जो बेस स्टेशन भी बताया गया है, जो एयरफोर्स स्टेशन है कि उसमें कितनी वैकेंसी है, जिस तरह पहले ही बात करूँ मैं नागपुर में, तो नागपुर में आपकी कुक की और एमटीएस की वैकेंसी है। फिर एयरफोर्स स्टेशन आपका कानपुर है, कानपुर में लॉन्ड्री मैन की वैकेंसी है। उसी तरह से चंडीगढ़ की बात करूँ तो एओसी बेस रिपेयर डिपोर्ट एयरफोर्स चंडीगढ़, वहाँ पर आपकी सुपरिटेंडेंट की और कारपेंटर और पेंटर की आपकी वैकेंसी है। इस तरह से आपकी अलग अलग वैकेंसी हैं जो निकली हुई हैं। अगर इसमें आपकी मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12th पास, स्टोर कीपर के लिए 12th पास, और बाकी जितनी वैकेंसी आपकी बच गई, चाहे वो कुक की हो, पेंटर की हो या कारपेंटर की हो, असिस्टेंट मैकेनिक की हो, तो उसमें आईटीआई और जो 10th पास है नॉर्मल, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है, आपका सिलेक्शन रिटर्न बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होएगा। लास्ट डेट इसकी 30 दिन की, मतलब आपको लगभग ये 3 या 4 सितंबर तक आपको जो फॉर्म है ये जो भी आपका बेस स्टेशन है वहाँ पर आपको पहुँचा देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस यूनिट में, तो ये सारी डिटेल आप उसमें डालकर जो फॉर्म आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। अब बात करें हम बाकी आर्मी में जो वैकेंसी निकली हुई हैं ग्रुप सी की सिविलियन की, अब चलते हैं हम उनकी तरफ। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नेवी में आपकी वैकेंसी निकली है, जो सदर्न नवल कमांड होगी कोची और अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें आपकी ड्राइवर की टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 जनरल की, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और पेस्ट कंट्रोल वर्कर की आपकी टोटल 10 वैकेंसी हैं। ये भी आपके ऑफलाइन जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और ड्राइवर की बात करूँ तो आपके पास 1 साल का हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, 1 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजना है आपका। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बताऊँ तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, आपका अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेलें आपको इसके अंदर डालनी है। और जो आपको फॉर्म है वो फिर आपको जो एड्रेस दिया गया है इन्होंने, वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भेज देना है। अगर सिलेक्शन की बात करूँ तो आपका सिलेक्शन इसमें रिटर्न टेस्ट के, मतलब रिटर्न बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होना है आपका। उसके बाद आपका मेडिकल की बात हो जाएगा डायरेक्ट, जो आपका किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल होगा। फॉर्म आपको ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फोर स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर सदर्न नवल कमांड कोची, वहाँ पर आपको जो फॉर्म है ये पहुँचा देना है। अब चलते हैं हमारी आज की तीसरी वैकेंसी की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मो द इन्फेंट्री स्कूल, ये आर्मी की वैकेंसी है आपकी ग्रुप सी की। इसमें आपकी अकाउंटेंट की, ड्राफ्ट्समैन की, एलडीसी, कारपेंटर, स्टोर कीपर, पेंटर, कुक, सुपरवाइजर, एमटीएस, वाशरमैन, बाइबर, साइकिल, टोटल आपकी 53 वैकेंसी हैं जो निकली हुई हैं। और बेलगाम की बात करूँ तो इन्फेंट्री स्कूल जो आपका बेलगाम है वहाँ पर आपकी 24 वैकेंसी निकली हुई हैं।
अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अकाउंटेंट के पास आपके पास डिग्री मांगी गई है, तो अकाउंट का आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एक मैथमेटिक्स का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास, LDC के 12th, ड्राइवर के लिए 10th और जो बाकी जितनी वैकेंसी बच गई उनके लिए आपकी 10th पास मांगी गई है। ऑफलाइन आपको फॉर्म पहुँचाना, रिटर्न बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो फॉर्म है वो आपको टू द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मूव पहुँचाना, अगर आप बेलगाम पहुँचाने चाहते हैं तो फॉर द कमांडर हेडक्वार्टर जूनियर लीडर विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका, वहाँ पर पहुँचाना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें जो डिटेल है वो आपको भर देनी है। एप्लीकेशन फिर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप स्टेनोग्राफ के लिए कर रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट मेंशन करें, इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। तो ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भर के पहुँचा देना है जो एड्रेस दिया गया है। लास्ट डेट की बात करो तो आपकी 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अब चलते हैं आज की चौथी वैकेंसी की तरफ, फोर्थ वैकेंसी। मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन में नीलगिरी जो तमिलनाडु, वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। LDC की एक वैकेंसी है, बूटमेकर की एक है, कुक की 9 है, टेलर की एक है, सिपाही वाला 3, बार्बर 3, वाशरमैन 5। 25 साल की आपकी एज है, 18 से 25, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 28 साल OBC और 30 साल जो ST हैं। आपको ये भी ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जो ये आपका परफॉर्मा ऑफलाइन फॉर्म भरने का, फोटो वगैरह चिपकाना है, ये सारी डिटेलें भर के आपको जो 30 रुपये का एक एनवलोप लगाना है, बाकी सभी जो जितनी भी पीछे फॉर्म थे उनमें 25-25 का लगेगा, इसमें 30 रुपये की आपके डाक टिकट का एक एनवलोप लगेगा। और जो फॉर्म है आपको द कमांडेंट द मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन नीलगिरीज तमिलनाडु, वहाँ पर ये फॉर्म आपको पहुँचा देना है। तो ये वैकेंसी थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आप 10th पास है, 18 से 25 साल तक की आपकी एज है तो आप ये फॉर्म है भर सकते हैं। आर्मी वाले में आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, जो जिसको पूरा 6 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो नेवी और एयरफोर्स में थी उनका आपका सिर्फ रिटर्न बेस पे सिलेक्शन होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।